मोदी जी, हम हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपके अदालत में आया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज निकाला, तो उनको लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। ये समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों पहले की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दिशा में, G20 समूह में मैंने देखा, दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी।